आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड का बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल लिए हैं, इसमें डालेंगे हम एक कटोरी हंग कर्ड। आधा केजी दही को हम रात भर कपड़े में बांध कर रख दिए थे ताकि इसका सभी पानी इससे अलग हो जाए। देखिए कितना सूखा हो गया है। इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम पनीर, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। दही के साथ पनीर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दही में जो खटास होता है उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए जब भी ये रेसिपी बनाएं इसमें पनीर ज़रूर डालें। कद्दूकस कर लिए, अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ हम एक छोटा साइज का गाजर को एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च, इसे भी हम बारीक कट कर लिए हैं। आधी शिमला मिर्च, इसे भी हम एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सभी को हम मिक्स करेंगे। इसमें हम नमक बाद में डालेंगे जब हम ये नाश्ता बनाएंगे तब, नहीं तो नमक से पानी छोड़ देता है सब्जियाँ। इसे हम हाथ से ही मस लेंगे। सभी सब्जियों के साथ हमारा दही और पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका। जब भी नाश्ता बनाएं कोशिश करें कि एकदम सूखा दही लें, थोड़ा सा भी गीला नहीं होना चाहिए, तब हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ हमारा फिलिंग्स बनके तैयार हो चुका। यहाँ हम 6 पीस ब्रेड लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ व्हाइट ब्रेड लिए हैं और एक एक करके सभी ब्रेड का हम किनारी कट कर लेंगे। यहाँ सभी ब्रेड का किनारी हम कट कर लिए हैं और इसका हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या कोई स्नैक्स भी बना सकते हैं जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। यहाँ एक ब्रेड लेंगे और इसे ऐसे ही सूखा बेलेंगे। दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा एकदम पतला बेलकर तैयार किए हैं। इसी तरह हम सभी ब्रेड को बेल लेंगे। यहाँ सभी ब्रेड को हम बेल करके तैयार कर लिए हैं। जो स्टफिंग्स तैयार करके रखे थे उसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका। एक ब्रेड लेंगे, इस पे डालेंगे तैयार किए हुए स्टफिंग्स। और इसे ऐसे रोल बना देंगे। इधर से भी हम और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। इधर हमारा स्टफिंग्स है, इसके वजह से किनारे चिपक जाएगा अच्छे से। देखिए
कितना अच्छा से हमारा रोल बन के तैयार हुआ। यहाँ एक और ब्रेड लेंगे, इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा स्टफिंग्स और इसे ऐसे मोटा करके फैला देंगे ताकि रोल करने में सुविधा हो। दोनों तरफ से दबाते हुए ऐसे हम इसका रोल बनाएंगे। यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। और किनारे में ताकि अच्छे से चिपक जाए। देखिए कितना अच्छा रोल बन के तैयार हुआ। इसी तरह हम सभी रोल को बना के तैयार कर लेंगे। सभी रोल को हम बना के तैयार कर लिए। देखिए कितने बढ़िया रोल बने हैं। यहाँ एक मोटे तले का कढ़ाई लिए हैं, इसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसे एकदम धुआंदार गरम नहीं करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ हम अपना छोले। इसे पलट पलट के अच्छे से गोल्डन होने तक तल लेंगे। यह बहुत जल्दी सीख के तैयार हो चुका है। देखिए कलर कितना प्यारा आया है ना। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी को सेकेंगे। यहाँ हम सभी को फ्राई करके तैयार कर लिए। देखिए कितना मस्त दिख रहा है, कितना प्यारा कलर आया है ना। लीजिए हमारा दही के छोले बनके तैयार हो चुका, जिसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कितना यमी दिख रहा है। हम आपको कट करके बताते हैं। देखिए सच में देख करके मुंह में तो पानी ही आ जाता है, कितना मज़ेदार बना है ना। इसे हम टमाटो केचप और हरी धनिया के साथ सर्व किए हैं। आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।